सावन की शुरुआत होते से ही त्योहारों का सिलसिला चल पड़ा है। इसी बीच आने वाले दो बड़े त्योहारों में से एक नागपंचमी है। इसका महत्व हिंदू मान्यता में सबसे ज्यादा माना जाता है। नागपंचमी और रक्षाबंधन सबसे बड़े त्योहारों में से हैं। इस बार नागपंचमी का त्यौहार 25 जुलाई को मनाया जाएगा। वहीं रक्षाबंधन का त्यौहार सावन माह के अंतिम सोमवार को यानी कि 3 अगस्त को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा में 10 जुलाई को सावन शुक्ल पंचमी को नागपंचमी का त्यौहार मना लिया गया। वहीं देश के अन्य भागों में 25 जुलाई सावन कृष्ण पंचमी को नागपंचमी मनाई जाएगी। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। दरअसल नागपंचमी पर नाग को दूध पिलाया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि दूध का पाचन नहीं होने और प्रत्युर्जता से उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है, लेकिन फिर कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नागपंचमी के दिन अनेक गांव व कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है। इस दिन अष्ट नागों की पूजा की जाती है। आपको बता दें इस दिन गेहूं, चने और सेवई आदि को भी उबालकर खाया जाता है। साथ ही इस दिन घर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहता है। ये भारतीय संस्कृति का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। वहीं ज्योतिषियों का मानना है कि पंचमी तिथि के स्वामी के रूप में इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, लेकिन इस दिन जमीन खोदना, तवा चढ़ाना अशुभ माना जाता है। पूरे श्रावण माह विशेषकर नागपंचमी को धरती खोदना निषेध है। इस दिन व्रत करके सांपों को खीर खिलाई व दूध पिलाया जाता है। कहीं कहीं सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी नागपंचमी मनाई जाती है। इस दिन सफ़ेद कमल को पूजा में रखा जाता है। वहीं दिन में नाग देवता की पूजा की जाती है। दूध पिलाने के साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन नागदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बांबी नागदेव के निवास स्थान की पूजा करनी चाहिए। नागदेव की सुगंधित पुष्प व चंदन से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नागदेव को सुगंध प्रिय है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।